लोकंक जीवन सह खेल खेळुछंती राज्य सरकार रोगींकु दिया जाउची एक्सपायरी मेडिसिन। स्वास्थ्य विभाग चिट्ठीरु आसिला सांघातिक सत। एक्सपायरी मेडिसिन न देबाकु सबु डाक्तरखाना महाविद्यालय एवं मुख्य चिकित्सालय को निर्देश दिया जाइछि। राज्य रे अधिकांश डाक्तरखाना एवं मेडिकल कॉलेज रे रोगींकु एक्सपायरी मेडिसिन दिया जाउची। आगामी दिन में एथिप्रति दृष्टि देबाकु स्वास्थ्य निर्देशक एवं मार्गदर्शिका जारी करिछंती। सरकार एक मार्गदर्शिका को नहीं राउरकेला कैपिटल हॉस्पिटल समेत सबु डाक्तरखाना महाविद्यालय सबु जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जनस्वास्थ्य अधिकारी को दर्शाई जे कौनसी परिप्रेक्षी रे एक्सपायरी मेडिसिन रोगी को जेपरी दिया न जाए से प्रति दृष्टि देबाकु निर्देश देछंती। रोगी को औषध देवा पूर्व तार अवधि को बारंबार देखिबार आवश्यकता रही। एथिलागी स्वास्थ्यकर्मी को आवश्यक तालीम देवा दरकार। राज्य औषध निगम पक्षर पर्यायक्रमे तालीम प्रदान करा डाक्तरखाना गुड़िकरे ठिकणा भावे अनुसरण करा जाउ नाही जेउथि पई एही समस्या उपजिछि। जो खबर आसी वर्तमान स्थल में पहुंचुची जे लोकों को एक्सपायरी मेडिसिन दिया जाउची। जो रोगी माने आसुचंती डाक्तरखाना को सेमानकु एक्सपायरी मेडिसिन देउचंती डाक्तर माने तबे लोकों को जीवन सहित खेळुचंती राज्य सरकार। रोगी को दिया जाउची एक्सपायरी मेडिसिन। स्वास्थ्य विभाग रो चिट्ठीरु आसिला एभली सांघातिक सत। तबे संपर्क रे अधिक आलोचना करिया पे आम सहित फोन लाइन रे जोडी होइचंती आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति। दिव्य, राज्य सरकार रोगी मानक सहित खेळुचंती तांको जीवन प्रति विपद रहिछि कारण एक्सपायरी मेडिसिन सेमानको दिया जाउछि। एबली सांघातिक तथ्य वर्तमान समय आसी पहुंचुछि। देखंतु मंदाके निश्चित भाव स्वास्थ्य विभाग जे निर्देशक रहिछन्ति विजय महापात्र से जो एडवाइजर जारी करछन् सेसरु एबली सांघातिक सत्य सामना को आसीछि जे राज्यर विभिन्न मेडिकल रे किभली रोगी को एक्सपायरी मेडिसिन दिया जाउछि से प्रसंग सामना को आसीछि। एवं एक कथा अपन देखंतु सेतरे पूरा निर्दिष्ट भाव कह जाए विभिन्न स्थान में एक्सपायरी मेडिसिन दिया जहाद्वारा रोगी पार्श्व प्रतिक्रिया देखा जेकोसी समय जेकोसी स्थान में पार्श्व प्रतिक्रिया देखा जापे दृष्टि रखी कड़ा निर्देश दिखाई स्वास्थ्य विभाग पक्ष जिते रोगी को मेडिसिन दिया समय पूरा तार अवधि को जांच कराऊ तार एक्सपायरी सरी कि ना जांच कर तनतन कर जांच करापे से मेडिसिन को दि जाऊ कारण अनेक जगार एभली घटना सामना को आसी अर्गस दुई तीनो एभली खबर प्रसारण करने थी छह मास ते बालेश्वर मुख्य चिकित्सालय जड़े डाक्तर लेडी डाक्तर जिते कौन कारणवश मेडिकल आसते एक्सपायरी सालाइन दि जाता एक्सपायरी हुए सालाइन दि जाता जहाँ को नहीं से समय खबर प्रसारण होता अर्गस मध्यम से लेडी डाक्तर जिते प्रतिवाद करते से समय सेठाकर जो स्टाफ नर्स दुर्व्यवहार करते खराब व्यवहार प्रश्न करते से कथा को विरोध करते से कथा जानते अंपटे दुई तीन मास ते नीलगिरी आउ गोटे कथा सामना आसला सेठिकार जड़े छोट पा को किभली एक्सपायरी मेडिसिन दिगला और से एक्सपायरी मेडिसिन जो तार जीवन चलीगला से कथा अभिभावक मैंने अभियोग करते तार खोलताड़ आरंभ होता निहती भाव में यह गोटे पर गोटे घटना सामना को आसला क्यों ना कौटी स्वास्थ्य विभाग पर गोटे प्रकार चिंता प्रकट कर स्वास्थ्य विभाग एथ सचेतन होती कि सचेतन केतेदिन पर्यटन कम कर सबुठ बड़ कथा हूँ यार गोटे पुंगानुपुख जांच होगा दरकार जो जो जगार एक्सपायरी मेडिसिन दि जाएगी तार जांच कराई से अधिकारी कार्यान्वयन दिया आवश्यक रही कारण जदि देखा यह एक दुर्भाग्यर कथा एपटे जदि देखा राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री गोटे पर गोटे जिले में स्वास्थ्य कार्ड बांटार लगी किंतु एपटे रोगी मान जीवन सहित खेलुंच रोगी मानक एक्सपायरी मेडिसिन दि जाऊँच दिव्यज्योति राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं कैसे चिंता प्रकट कर दिव्यज्योति अपन सुनी पार्छंती जदि मत शुणी पार्टी आपको सूचना देखा चाहिए राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं जो बाहबा निर बास्तव चित्र हूँ सरकार चिट्ठी स्वास्थ्य विभाग चिट्ठी तार हूँ बास्तव चित्र आपड़ देखु कोरोना समय जो भाई स्वास्थ्य विभाग विभिन्न प्रसंग सामना को आसला और रोगी मैंने जो बाहर शोले जो चिकित्सा अवहेला मृत्यु होगा एक कथा को कौन ना कौन विरोध कराइला
ସେ କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡିସିନ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସରକାର ନିରାମୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ମେଡିସିନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଗଣା ମେଡିସିନ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ମାଗଣା ମେଡିସିନ କିଭଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ଚିଠି ବା ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମାଗଣା ମେଡିସିନ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ସେଥିରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକାଂଶ ମେଡିସିନ ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡିସିନ ବୋଲି ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହୁଛି। ଯଦି ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡିସିନ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିରାମୟରେ ମାଗଣା ମେଡିସିନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, ତାହା କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ନ ପଡିବେ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ, ଏକଥା ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହୁଛି।